अपने आप ऐसे नहीं कहा, मैं रोज मुरली सुनता हूं, ये बीमारी क्यों? तन से सेवा नहीं किया। आप कहते मैं रोज मुरली सुनता हूं, रोज योग करता हूं, गरीब क्यों? धन की सेवा नहीं किया। भगवान धन नहीं देगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये याद रखना, तन मन धन तीनों अगर चाहते हो, तीनों बीज आपको बोना है, कोई देने वाला नहीं है। ये अच्छे से समझ है, जो समझा हम रोज मुरली सुनते हैं, ये गरीब क्यों? रोज हम एक दिन मैंने योग छोड़ा नहीं, एक दिन मुरली में इसने क्या, ये बीमारी क्यों? तन से सेवा नहीं किया। तन भगवान की सेवा में लगाए, भगवान कुछ नहीं देता है, विधि बताता है। ऐसे भोलेनाथ बाबा जो चाहे करेगा, योग करो जो चाहे करेगा, नहीं। ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहना, तब का कर्मों की गति बहुत बुरी है। आपको चावल चाहिए तो चावल का दाना बोना पड़ेगा, सब्जी चाहिए तो सब्जी बोनी पड़ेगी, नहीं तो मांगना पड़ेगा। अगर आपके पास खेती में तीनों बीज, तन मन धन, तीनों बीज आपको बोना है, जितना बोएंगे उतना मिलेगा, तब एक गरीब, एक करोड़पति, एक रोडपति किसने बनाया है? मेरे कर्मों ने। ये याद रखना, ये गरीब क्यों, एक करोड़पति क्यों, किसने बनाया इनको रोड करोड़पति? मुझे गरीब किसने बनाया? मेरे कर्म। अभी क्या कर्म करना है? अभी समय आया, 24 घंटे हैं, 23 घंटे घर में पति के बच्चे की सेवा करो, एक घंटे में 5 मिनट भगवान के घर की सेवा करो, ये पुण्य जमा करो। धन आपके पास ऐसे नहीं, धन खाओ नहीं, पेट को मारो नहीं, आराम से रहो। 5 रुपया है, 1 रुपया भगवान के सेवा में लगाओ। हाँ, उसमें भी एक व्यवस्था है, अगर कोई कुमार है, भाई है, पूछेंगे भाई जी क्या सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी बाबा ने व्यवस्था बताया। अगर ये भाई 100 रुपया कमाता है तो उसको क्या करना चाहिए? वो कहेगा मेरा धन मैं सेवा में क्या करो, 100 रुपया कमाता है रोज, इसको 100 रुपया में 25 रुपया अपने लिए यूज करो, शरीर निर्वाह, आने जाने के लिए, कपड़े के लिए, अपने लिए 25 रुपया यूज करो। 25 रुपया बैंक में रख दो, कल बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, मांगना नहीं, 25 रुपया बैंक में रख दो। 25 रुपया माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप ने बड़ा किया आपको, पढ़ा के उनकी सेवा में लगाओ, 25 रुपया ईश्वर की सेवा में डालो। समझ में? जिसके पास भी कुछ भी है, 100 रुपया के 4 हिस्से करो। आप पूछेंगे क्या सेवा करें हम, 100 रुपया उदाहरण बताया, तो 100 रुपया आपने बैंक में, 25 रुपया बैंक में रख दो, कल मांगना नहीं, ऋण लेना नहीं किसी से, बैंक से किसी से ऋण लेना नहीं, किसी से मांगना नहीं, कल बीमार हो गया तो बहुत खर्चा होता है, 25 रुपया बैंक में रख दो, 25 रुपया माँ बाप ने आपको बड़ा किया, माँ बाप की सेवा करो, 25 रुपया अपने लिए यूज करो, और 25 रुपया भगवान की सेवा में दान करो। मंजूर? समझ में आया क्या करना चाहिए, कैसे सेवा में करें, कितना करें? तो व्यवस्था है, हर चीज की विधि शिव बाबा बताता है। तन 24 घंटे 23 घंटे आप जो चाहे करो, आधा घंटा 15 मिनट भी रोज ईश्वर की यज्ञ की सेवा करो, तन निरोगी काया हो जाएगा। अपने आप में ये बीमारी क्यों, ये तन मैंने मेरे लिए यूज किया, भगवान आप ठीक करो, होगा? भगवान के पास दवा है, ऊपर से भेजेगा नहीं, विधि बताता है। बच्चे ये तन आपका नहीं, ये भगवान की सेवा में लगाओ। कितना लगाओ? 24 घंटे लगाओ नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय मिलता, कोई ना कोई सेवा। ये खुर्ची निकाल के रखो, ये चादर घड़ी करके रखो, कोई किसी के पास बर्तन साफ करने के समय को, तो खेती में गार्डन है बाबा के घर में, पानी डालो, कोई ना कोई काम करो। मैंने देखा दिल्ली पांडव भवन में, एक दिन गया था तो देखा, दो भाई मुरली क्लास के बाद बड़े अच्छे कुमार, बड़े अच्छे पैंट भी पहना है, दोनों भाई बर्तन साफ कर रहे हैं। मैं गया पूछा, अरे आप सफाई क्यों करते हो भाई? नहीं इधर, नहीं भाई जी, रोज हमारे दो दो भाई की ड्यूटी लगती है, मुरली क्लास के बाद जा करके दिल्ली पांडव भवन में जहाँ गुंजार दादी के रहते थे, तो वहाँ देखा ये दोनों भाई पैंट फिट पहना है, ऑफिस में जाना है, हम दो दो भाइयों की ड्यूटी लगे रोज मुरली क्लास के बाद, एक आधा 15 मिनट आधा घंटे में 5-10 बर्तन होते हैं, हम साफ करते हैं। हमने कहा आप क्यों? फिर मैंने टीचर को पूछा, बहन जी किसी ये भाई कपड़े काले होंगे, इनको नौकरी में जाना है अभी, आप इनसे कपड़े दो। भाई जी यहाँ माई को रखना चाहिए, यहाँ माई मिलते नहीं दिल्ली में,
हमें कहा मधुबन में, गुलजार दादी तो मधुबन में है, उनको बताओ कोई एक माई को 100 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो, आ जाएंगे। ये भाई अच्छे कुमार है, देखो इनको मुझे सुन के नौकरी में जाना है। तो कपड़े काला लगाया, नहीं इतने साल से यहाँ दादी ने व्यवस्था डाली है, तो कैसे सेवा करते हैं? क्यों अपना ये भी समझते हैं, भाई जी हमारा भाग्य है ना, हम अपने के लिए पेट नौकरी करते हैं, बाबा की सेवा कैसे करें, है ना। तो देखो सरदार भी, आपने देखा सरदार जो है गुरुद्वारे में जाते हैं, देखो सबके चप्पल साफ करते हैं, लाइन से रखते हैं, कितना बड़ा ऑफिसर भी हो, सेवा है ना। सिख धर्म में कहा सेवा ही सबसे श्रेष्ठ, सेवा करो उनकी, कैसे सेवा करो, तो हर जगह पर सेवा की परिभाषा है, तो वो जानना चाहिए। बाबा यहाँ सेवा तन मन धन तीनों चाहिए, नहीं तो एक देखो सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार, क्यों? तन सेवा में नहीं लगाया। बहुत सुंदर शरीर है, घर में 2-4 बच्चे सब कुछ है, लेकिन धन नहीं है खाने के लिए, गरीब, एक टाइम भी खाना नहीं मिल रहा, एक के घर में इतना पैसा है खाने वाले कोई भी नहीं है, ये किसने बनाया? भगवान, आपने ऐसी धरती क्यों बनाया, ऐसा संसार क्यों बनाया? भगवान पर दोष नहीं, मैंने किए हुए कर्मों का फल है, समझा? ये अच्छी तरह से जानना चाहिए।